हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड कोर्स, जो चार वर्षीय बीएड कोर्स है, उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस होगी। इसमें जो है काउंसलिंग फ़ी कितना है आपका, उसके बारे में जानकारी होगा, और काउंसलिंग फ़ी किस तरह जमा करना है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और यहाँ पर जो 400 जो लिखा गया है, इसे देख कर हकचकाए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सर टोटल सीट कितना है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 400 को इंडिकेट कर दिया। तो उम्मीद करेंगे कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार डीएलएड बीएड से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम हमारे चैनल पर आए हुए और इसे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आज का लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। 28,000 प्लस जो है शिक्षक नियोजन के लिए रिक्ति, सबसे बड़ा रिक्ति, महा रिक्ति कह सकते हैं, जारी हुआ है। तो जस्ट ही डाला हूँ वीडियो, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। जीविका भर्ती में जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। बिहार सैनिक बहाली यानी कि मुजफ्फरपुर रैली से बहुत बड़ी अपडेट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और भी तरह तरह के वीडियो जो जरूरियात के होंगे, आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिएगा। बट ये तीनों लेटेस्ट हैं, तो आप तीनों को ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं बीएड वाले की जानकारी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम लोग वेबसाइट पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो नोटिस बोर्ड में ही आज की डेट में एक नोटिस हुआ है जारी। ये देख सकते हैं नोटिस रिलेटेड टू कॉलेज चॉइस एंड काउंसलिंग फॉर ईयर CET 2019। इसे डाउनलोड सबसे पहले चलिए कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो आप लोग भी इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। देख सकते हैं चार वर्षीय एकीकृत बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 नामांकन हेतु कॉलेज विकल्प चॉइस प्रस्तुत करने एवं काउंसलिंग के संबंध में अति आवश्यक सूचना। दिनांक 15/9/2019 को आयोजित चार वर्षीय एकीकृत बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 में सफल एवं कट ऑफ मार्क्स के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 24/9/2019 से आयोजित होने वाली काउंसलिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके पूर्व भी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे BRA बिहार यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त कुल चार कॉलेजों में नामांकन हेतु वेबसाइट www.biharcetintegratedbed.com पर जाकर क्रमानुसार कॉलेज विकल्प दे सकते हैं। विकल्प देने के लिए उपयुक्त लिंक दिनांक 22/9/2019 के रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा, मतलब आज जो है 12 बजे तक खुला रहेगा। तो 7:05 लगभग में 5 घंटा नहीं, यहाँ पर 38 हो ही रहा है, तो लगभग में 4.25 घंटा आप लोग के पास टाइम है। तो जो लोग भी बचे हुए तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग कर ले। निर्धारित अवधि के उपरांत या किसी अन्य प्रकार से सबमिट किया गया विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से कॉलेज चयन का विकल्प नहीं देते हैं, काउंसलिंग से वंचित हो जाएंगे। क्लियर यहाँ पर कर दिया गया। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी बार आवंटित कॉलेज की सूची दिनांक 22/9/2019 को 12 बजे रात्रि में प्रकाशित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है कॉलेज की सूची जो है 12 बजे रात्रि में प्रकाशित की जाएगी। देख लेते हैं, आता है तो देख लेंगे अपडेट। सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क दिनांक 23/9/2019 से SBI कलेक्ट, देख सकते हैं SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क यानी कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 1,000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 एवं अन्य आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये जमा नहीं करेंगे, वे दिनांक 24/9/2019 से आयोजित होने वाले काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। तो ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो है काउंसलिंग फ़ी के बारे में, तो आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे ऑनलाइन सबमिट किए गए विकल्प की सूची का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। CET इंटीग्रेटेड BEd 2019 के आधार पर सीट आवंटन है तो चॉइस फिलिंग एक बार ही होगा। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उनके विकल्प के आधार पर ही कॉलेज आवंटन हो। जो आप विकल्प लिए हैं, ये भी ऐसा बात तो नहीं है कि आप लोग उसी के आधार पर आपका नामांकन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये कह सकते हैं अपडेट है काउंसलिंग फीस रिलेटेड। तो अभी तक जो लोग भी चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द करेंगे। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर कलेक्ट के माध्यम से होगा।
पिछले दफ़ा जो बीएड की कोर्स जो है 2 वर्षीय बीएड कोर्स था उसमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया था काउंसलिंग फ़ी जमा करने के लिए। इसमें देखते हैं, चेक करते हैं कि लिंक दिया गया है या नहीं, या फिर चॉइस फिलिंग जो हो रहा है उसी के अंदर जो है पेमेंट आपको करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं और थोड़ा सा कटअप भी देख लेंगे। यहाँ से बैक होने के बाद आप लोग यहाँ पर 3 डॉट देख रहे होंगे, यहाँ पर इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है लिंक प्रोवाइड किया जाता था पिछले 2 वर्षीय कोर्स में, तो हो सकता है कि लिंक जो है प्रोवाइड किया जाए काउंसलिंग फ़ी के पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि इसी के माध्यम से कहीं हो जमा। देख लीजिएगा, अपडेट आएगा वैसे भी मैं आप लोगों तक लेकर के आऊँगा। तो आप देख लेते थोड़ा सा कट ऑफ इस बार का जो गया है कितना गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सीईटी इंटीग्रेटेड कट ऑफ मार्क्स कैटेगरीज, कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 120, यहाँ आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो है कट ऑफ गया है 107 से 109 के बीच जिनका आया है, तो उनका जो है रिजल्ट बन गया। उसके बाद ओबीसी का 104 से 106 आ गया है, यहाँ पर एससी का 96 से 99 और उसके बाद यहाँ पर एसटी का जो है 91 से 93 और अदर का यहाँ पर 87 से 90, काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। तो ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, काफ़ी हाई कह सकते हैं कट ऑफ गया है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, खूब फैला दे ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।